आज हम लोग दोस्त एल्डिहाइड का यूपेक नेम पढ़ेंगे। यूपेक नेम ऑफ एल्डिहाइड, यूपेक का फुल फॉर्म होता है दोस्त इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को क्या बोलते हैं, यूपेक नेम। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। दूसरा है दोस्त जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो एल्डिहाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो एल्डिहाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन है RCHO। अब हम लोग एल्डिहाइड का यूपेक नेम लिखेंगे। तो एल्डिहाइड का यूपेक नेम तो RCHO। देखिए दोस्तों R के लिए अल्क लिख दिए, तो अल्क का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, जैसे CH4 है, तो जिसके पास हाइड्रोजन और कार्बन हो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये अल्क। अब ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए, और एल्डिहाइड को सेकेंडरी सरफेस के रूप में अल लिखते हैं, तो यहाँ पर अल लिख दिए। अब दो ठो भोवे लगातार आ गया, तो एक भोवे को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो इसका नाम हो गया अल्का नल। जब एल्डिहाइड को प्रिंसिपल चेन में शामिल करते हैं तब सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अल लिखते हैं। पहला कंपाउंड है हमारा दोस्त HCHO। एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड बोलते हैं हम जहां खड़े होते वहीं से नंबरिंग शुरू होता है, तो एक कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया मिथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिए। जब एल्डिहाइड को प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड करते हैं तब सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखते हैं। दो भवे लगातार आ गया, एक ई को हटा दिए, नाम हो गया मिथानल। दूसरा कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3CHO। एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड बोलता है हम जहां खड़े होते वहीं से नंबरिंग शुरू होता है, तो एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया ईथ। कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है तब एन लिख दिए, और वन पर क्या है अल, तो वन अल लिख दिए। ये देखिए दोस्त ये भोवेल है, ये भी भोवेल है। जब दो भोवेल लगातार आ जाए तो प्राइमरी सफिक्स के एक भोवेल को क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब देखिए दोस्त ये अल्फाबेट ये नंबर है, तब हाइफन का साइन लगाएंगे। ये नंबर है ये अल्फाबेट है, हाइफन का साइन लगाएंगे। देखिए दोस्त अगर नंबर नंबर रहेगा तो आओ का साइन देंगे, मतलब कॉमा का साइन देंगे। अगर नंबर नंबर रहेगा तो आओ का साइन देंगे, अगर अल्फाबेट का अल्फाबेट रहेगा तो आओ का साइन देंगे। बी भी अल्फाबेट है, सी भी अल्फाबेट है, तो आओ का साइन देंगे। अगर एक नंबर हो और दूसरा अल्फाबेट हो तब दूर हटो का साइन देंगे। एक नंबर हो दूसरा अल्फाबेट हो तब दूर हटो का साइन देंगे, मतलब इफ यदि एक नंबर हो दूसरा अल्फाबेट हो तब हम लोग हाइफन को यूज करते हैं, तो हाइफन को प्यार से हम दूर हटो बोलते हैं। तीसरा मॉलिक्यूल है हमारा दोस्त CH3CH2CHO। एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बोलता है हम जहां खड़े होते वहीं से नंबरिंग शुरू होता है, तो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तीन कार्बन का रूटवर्ड हो गया प्रोप। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तब एन लिख दिए, और वन पर अल है, मतलब जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल चेन में शामिल करते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखते हैं, तो वन पर क्या है अल, तो वन अल लिख दी।
देखिए तो दो भावे लगातार आ गए तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा देंगे, ये अल्फाबेट है नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, ये नंबर है ये अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नाम हो गया प्रोपेन वनल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा दोस्त सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एच ओ एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बोलता हम जहाँ खड़े होते वहीं से नंबरिंग शुरू होता है, तो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन, तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है तब एन लिख दिए, और जब एल्डिहाइड को प्रिंसिपल चेन में शामिल करते हैं तब सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखते हैं, तो वन पर अल है तो वन अल लिख दिए। अब दो भावे लगातार आ गया तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा देंगे, अल्फाबेट नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर है अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए, इसका नाम हो गया दोस्त ब्यूटेन वन अल। एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन, देखिए तो ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं सेटिस्फाइड वैलेंसी, और जो बॉन्ड नहीं दिखाई देता उसको बोलते हैं अनसेटिस्फाइड वैलेंसी। तो कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है तीन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तीन ठो हाइड्रोजन भर देंगे। कार्बन का देखिए एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड, मतलब तीन बॉन्ड है चौथा बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर एक ठो हाइड्रोजन भर देंगे। कार्बन का एक बॉन्ड है तीन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तीन ठो हाइड्रोजन भर देंगे। कार्बन का दो बॉन्ड दिखाई दे रहा है दो बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो ठो हाइड्रोजन भर देंगे। तो एल्डिहाइड कार्बन का टेनिक फंक्शनल ग्रुप है, बोलता हम जहाँ खड़े होते वहीं से नंबरिंग शुरू होता है, तो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन देखिए दोस्त टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, एक प्रिंसिपल चेन एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हम लोग स्ट्रेट भी ले सकते हैं चाहे प्रिंसिपल चेन हम लोग जिग जेग भी ले सकते हैं, तो हम लोग प्रिंसिपल चेन अभी स्ट्रेट लेंगे। तो एक एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंस को बोलता हम जा खड़े तो वहीं से नंबरिंग शुरू होता है, तो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन, सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो थ्री पर क्या है मिथाइल, तो थ्री मिथाइल लिख दिए। चार कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया ब्यूट, कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है तब एन लिख दिए, और जब एल्डिहाइड फंक्शन को प्रिंसिपल चेन में शामिल करते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखते हैं, तब वन पर अल है तो वन अल लिख दिए। अब दो भावे लगातार आ गया तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा देते हैं। अब देखिए दोस्त ये नंबर है ये अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए, ये अल्फाबेट है ये नंबर है दूर हटो का साइन दे दिए, ये नंबर ये अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नाम हो गया थ्री मिथाइल ब्यूटेन वन अल। एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन पांच कार्बन, यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर सी एस टू सी एस थ्री लगा हुआ है। अब देखिए दोस्त एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है दो बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर तीन टू हाइड्रोजन भर दिए, यहाँ पर तीन बॉन्ड है एक बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा तो एक हाइड्रोजन भर दिए, एक दो तीन बॉन्ड एक बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर एक हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन के पास चार बॉन्ड होता है दो बॉन्ड दिखाई दे रहा दो बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा दो ठो हाइड्रोजन भर दिए। एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बोलता हम जहाँ खड़े होते वहीं से नंबरिंग शुरू होता है, तो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन पांच कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन पांच कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन पांच कार्बन का प्राप्त होता है। अगर हम लोग इसको प्रिंसिपल चेन लेते हैं तो हम लोग के पास एक ही तो ब्रांच प्राप्त होता है, लेकिन अगर प्रिंसिपल चेन हम लोग स्ट्रेट चेन को लेते हैं तो हम लोग के पास दो ब्रांच प्राप्त होता है। प्रिंसिपल चेन हम लोग सीधा लेंगे दोस्त, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन और पांच कार्बन, ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है ये हमारा क्या है ब्रांच, इसको जो डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है ये हमारा ब्रांच, तो बी आर को ब्रांच के रूप में ब्रोमो लिखते हैं। दो कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया ईथ, और ब्रांच है से नाम के लास्ट में वाई ए लगा देंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे, ब्रांच का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकली,
तो एबीसीडी में ब्रोमो का बी और इथाइल का ई, तो एबीसीडी में पहले बी आता है तो चार नंबर पर क्या है ब्रोमो, तो फोर ब्रोमो हो गया। तीन नंबर पे इथाइल है तो थ्री इथाइल लिख दिए। पांच कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया पेंट, कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है तब एन लिख दिए। और जब एल्डिहाइड को प्रिंसिपल चेन में शामिल किया जाता है तब सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखते हैं तो वन नंबर पर अल है। देखिए दोस्त प्राइमरी सफिक्स है ई, दो भावे लगातार आ गया तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा देंगे। ये नंबर ये अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए, ये अल्फाबेट ये नंबर है दूर हटो का साइन दे दिए, ये नंबर ये अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए, ये अल्फाबेट है ये नंबर है दूर हटो का साइन दे दिए, ये नंबर ये अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। इसका नाम हो गया दोस्त फोर ब्रोमो थ्री इथाइल पेंटेन वन अल। अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल लिखेंगे, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन पांच कार्बन, यहाँ पर सी एच ओ ग्रुप, यहाँ पर एनओ टू ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर सी एच थ्री ग्रुप लगा हुआ है। एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तीन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन भर दिए, एक दो तीन बॉन्ड एक चार बॉन्ड, एक दो तीन बॉन्ड एक चार बॉन्ड, एक दो तीन बॉन्ड और एक चार बॉन्ड। एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बोलता है हम जहाँ खड़े होते वहीं से लाइन शुरू होता है, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन पांच कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन दोस्तों हम लोग को पांच कार्बन का प्राप्त हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल चेन हमारा स्ट्रेट चेन है, एक दो तीन चार और पांच कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन के बाहर चला गया तो बन गया ब्रांच, ये प्रिंसिपल चेन के बाहर है तो ये बन गया ब्रांच, ये भी प्रिंसिपल चेन के बाहर है तो ये बन गया हमारा ब्रांच। यहाँ पर दोस्त तीन लिखा हुआ है, तो बीआर जब ब्रांच के रूप में होता है तो उसका नाम हो जाता है ब्रोमो। सीएच थ्री तो एक कार्बन का रूटवर्ड हो गया मीथ, और जब ये ब्रांच की तरफ बिहेव करता है तो नाम में वाईएल लगा देते हैं, नाम के लास्ट में वाईएल, तो इसका नाम हो गया मिथाइल। एनओ टू जब ब्रांच के रूप में काम करता है तब उसका नाम हो जाता है नाइट्रो। सबसे पहले मेरे दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो ब्रांच का नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड करके, मतलब एबीसीडी के बेसिस पर, तो ब्रोमो का बी मिथाइल का ए मनाइट्रो का एन, तो एबीसीडी में पहले बी आता है तो थ्री पर क्या है ब्रोमो, तो थ्री ब्रोमो लिख दिए। चार नंबर पर मिथाइल है तो फोर मिथाइल लिख दिए। टू नंबर पर नाइट्रो है तो टू नाइट्रो लिख दिए। पांच कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया पेंट, तो यहां पर पेंट लिख दिए। कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है तब एन लिख दिए। और जब एल्डिहाइड को प्रिंसिपल चेन में शामिल करते हैं तब सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखते हैं, तब वन नंबर पर क्या है अल, तो अल लिख दिए। दो भोवे लगातार आ गया तब प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा देंगे। ये नंबर है ये अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए, ये अल्फाबेट है ये नंबर है दूर हटो का साइन दे दिए, ये नंबर ये अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए, ये अल्फाबेट है ये नंबर है दूर हटो का साइन दे दिए, ये नंबर है ये अल्फाबेट दूर हटो का साइन दे दिए दोस्त, ये अल्फाबेट है नंबर है दूर हटो का साइन दे दिए, ये नंबर ये अल्फाबेट दूर हटो का साइन दे दिए। इसका नाम हो गया थ्री ब्रोमो फोर मिथाइल टू नाइट्रो पेंटेन वन अल। दो कार्बन तीन कार्बन और ये है सी एच ओ ग्रुप, एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है तीन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो तीन हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन के पास चार बॉन्ड होता है, दो एक तीन बॉन्ड है एक बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भर दिए, दो एक तीन बॉन्ड है एक बॉन्ड नहीं है तो एक हाइड्रोजन भर दिए। देखिए तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, ये क्या होगी हायर प्रायोरिटी कार्बन, एल्डिहाइड हमारा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड बोलता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होता है,
तो नंबरिंग को किस तरह से करना कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन हमारे प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाए। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो चार कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया ब्यूट। टू नंबर पर डबल बॉन्ड है तो टू इन लिख दिए। जब एल्डिहाइड को प्रिंसिपल चेन में शामिल करते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखते हैं, तो वन पर अल है। दो भवे लगातार आ गए तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा देंगे। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इसका नाम हो गया दोस्त ब्यूट टू इन वन अल। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। दो बॉन्ड दिखाई दे रहा, दो बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर दो टू हाइड्रोजन भर दिए। दो तीन एक चार बॉन्ड है, दो और एक तीन बॉन्ड है, एक बॉन्ड नहीं है तो एक हाइड्रोजन भर दिए। दो और एक तीन बॉन्ड है, एक बॉन्ड नहीं है तो एक हाइड्रोजन भर दिए। देखिए दोस्तों, डबल बॉन्डेड जुड़े, डबल बॉन्डेड जुड़ा हुआ कार्बन हायर प्रायोरिटी ऑफ कार्बन, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन हायर प्रायोरिटी ऑफ कार्बन, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन हायर प्रायोरिटी कार्बन। एल्डिहाइड हमारा क्या सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड बोलता है कि हम जहाँ खड़े होते वहीं से लाइन शुरू होता है। ध्यान रहे, प्रिंसिपल चेन में डबल बॉन्डेड कार्बन हमें किसी भी हाल में शामिल होना चाहिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। सबसे पहले तो सब लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। ये हमारा ब्रांच है तो इसका नाम हो गया ब्रोमो। तो चार नंबर पर क्या है ब्रोमो, तो फोर ब्रोमो लिख दिए। पांच कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया पेंट, तो पेंट लिख दिए। टू और फोर पर दो छोटा डबल बॉन्ड है तो टू फोर डाइन लिख दिए। और देखिए दोस्त, जब एल्डिहाइड को प्रिंसिपल चेन में शामिल किया जाता है तब सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखते हैं, तो वन नंबर पर अल है, यहाँ वन अल लिख दी। दो भवे लगातार आ गया तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा देते हैं। देखिए दोस्त, जब जब डाइन आएगी ए लगा के जाएगी, मतलब रूट वर्ड के नाम में, नाम के लास्ट में ए लगा देते हैं। यहाँ पर टू है, नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर नंबर है, आओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। इसका नाम हो गया फोर ब्रोमो पेंटा टू फोर डाई इन वन अल। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन। यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 ग्रुप। एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तीन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन भर दिए। एक दो तीन बॉन्ड तो एक हाइड्रोजन भर दिए। दो तीन चार बॉन्ड यहाँ पर है, दो तीन चार बॉन्ड है, दो एक तीन, एक बॉन्ड नहीं तो एक हाइड्रोजन भर दिए। दो तीन चार, चार बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तीन बॉन्ड नहीं है तो तीन हाइड्रोजन भर दिए। देखिए तो डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन क्या बोलते हैं, हायर प्रायोरिटी ऑफ कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन में डबल बॉन्डेड कार्बन को किसी भी हाल में शामिल करना है। तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा छोटा नंबर मिल सकते। एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बोलता हम जा खड़े होते वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन। प्रिंसिपल चेन सात कार्बन का प्राप्त हो रहा है, दो तीन चार पांच छह और सात कार्बन। देखिए दोस्त, ये हमारा ब्रांच है, ये हमारा ब्रांच है।
ये भी ब्रांच है, तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं, अब Br को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं, Cl को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं, और CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो ब्रांच का नाम है ABCD के बेसिस पर लिखा था, अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड करना है, तो ब्रोमो का बी, क्लोरो का सी और मिथाइल का एम, तो ABCD में पहले बी आता है। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते, चार पर क्या है ब्रोमो, तो 4-ब्रोमो हो गया। फिर 5 नंबर पर क्लोरो है, तो 5-क्लोरो हो गया। अब देखिए जो 2 नंबर में भी मिथाइल है और 6 नंबर में मिथाइल है, तो 1-1-2 तो 2 मिथाइल है, तो 2-6 दो नंबर और 6 नंबर पर 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल लिख दी। 7 कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया हैप, यहाँ पर हैप लिख दिए। 2 और 4 नंबर पर 2 डबल बॉन्ड है, तो 2-4 डाइन लिख दिए। और 1 नंबर पर अल है, तो यहाँ पर 1 अल लिख दिए। जब जब डाइन आएगी ए लगा के जाएगी, देखिए जो 2 भवे लगातार आ गए, तो ई को यहाँ से हटा दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दिए, अल्फाबेट नंबर है दूर हटो का साइन दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दिए, अल्फाबेट नंबर है दूर हटो का साइन दिए, नंबर नंबर है आओ का साइन दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दिए, अल्फाबेट नंबर है तो दूर हटो का साइन दिए, नंबर नंबर है आओ का साइन दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दिए, अल्फाबेट नंबर है दूर हटो का साइन दिए, नंबर अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दिए। इसका नाम है तो 4-ब्रोमो 5-क्लोरो 2-6 डाइमिथाइल हेप्टा 2-4 डाइन 1 अल। ये हमारे तो CHO फंक्शनल ग्रुप, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। कार्बन को 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ तो 2 हाइड्रोजन भर दिए। 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भर दिए। ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, मतलब प्रिंसिपल चेन में हमारा दोनों कार्बन किसी भी हाल में आना चाहिए, क्योंकि दोनों हमारा सिंगल मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन प्रिंसिपल चेन आ गया हम लोग का 4 कार्बन का। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग ब्रांच का नाम लिखते थे, यहाँ किसी कोई ब्रांच है नहीं। 4 कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया ब्यूट, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, तो एन लिख दिए। 1 और 4 पर 2 एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखते हैं, तो 1 पर भी अल है, 4 पर भी अल है, तो 1-4 डायल हो गया। अब ये भोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो ई को लिखेंगे, ई को काटेंगे नहीं। अल्फाबेट नंबर है तो दूर हटो का साइन दिए, नंबर नंबर है तो आओ का साइन दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दिए, तो नाम हो गया ब्यूटेन 1-4 डायल। ये भी CHO फंक्शनल ग्रुप है दोस्त, ये भी CHO फंक्शनल ग्रुप है। प्रिंसिपल चेन हमारा 2 कार्बन का हो गया, 2 कार्बन का रूटवर्ड हो गया ईथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए। एल्डिहाइड फंक्शनल को जब प्रिंसिपल चेन में शामिल किया गया तो सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखते हैं, तो 1 पर भी अल है, 2 पर भी अल है, तो 1-2 डायल हो गया। अब ये भोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो ई को लिखेंगे, तो अल्फाबेट नंबर है दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर नंबर है आओ का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए, नाम हो गया इथेन 1-2 डाई अल। इसी को कॉमन नेम में गलाई ऑग जल भी कहते हैं, गलाई ऑग जल।
ये दोस्त हमारा लिहार फंक्शन ग्रुप है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और ये हो गया पांच कार्बन। यहाँ पर दो बॉन्ड दिखाई, दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड नहीं है, दो हाइड्रोजन भर दी, तीन बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन भर दी, कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तीन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर तीन टू हाइड्रोजन भर दिए, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भर दिए। एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, दोनों को दोनों क्या सिंगल मोस्ट फंक्शन ग्रुप है, तो एल्डिहाइड बोलता हम जहाँ खड़े होते वहीं से लाइन शुरू होता है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और पांच कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन के बाहर दो ठो ग्रुप चल गया। सी एच थ्री जब ब्रांच ग्रुप में काम करता है तो उसका नाम हो जाता है मिथाइल, और बी आर जब ब्रांच ग्रुप में काम करता है तो उसका नाम हो जाता है ब्रोमो। तो मिथाइल का एम और ब्रोमो का बी, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते दोस्त, तो नाम एबीसीडी के बेसिस पे लिखा जाता है, ब्रोमो का बी और मिथाइल का एम, तो एबीसीडी में पहले बी आता है, सबसे पहले टू ब्रोमो लिखेंगे, टू ब्रोमो, तीन नंबर पे मिथाइल है तो थ्री मिथाइल लिख दी, पांच कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया पेंट, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है तब एन लिख दी, वन पर भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, फाइव पर भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, जब प्रिंसिपल चेन में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को शामिल किया जाता है तो सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखते हैं, तो वन पर भी अल है और फाइव पर भी अल है, नाम हो गया वन फाइव डाई अल। अब देखिए दोस्त, ई वोवेल है और डी कंसोनेंट है, तो ई को लिखेंगे और नंबर अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन देंगे, अल्फाबेट नंबर है तो दूर हटो का साइन देंगे, नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। देखिए दोस्त, यहाँ अल्फाबेट या नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर नंबर है तो आओ का साइन दिए, नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए, तो इसका नाम हो गया टू ब्रोमो थ्री मिथाइल पेंटेन वन फाइव डाई अल। ये दोस्त हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, यहाँ भी सी एच ओ ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर ओ सी एच थ्री ग्रुप लगा हुआ है दोस्त, दो एक तीन बॉन्ड है, एक बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भर दिए, दो तीन चार बॉन्ड है, दो तीन चार बॉन्ड है, दो एक तीन बॉन्ड और एक चार बॉन्ड। ठीक है दोस्त, एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड हमारा सिंगल मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ भी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सिंगल मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड अब डबल बॉन्डेड कार्बन को किसी भी हाल में प्रिंसिपल चेन में शामिल करना है, डबल बॉन्डेड कार्बन को किसी भी हाल में प्रिंसिपल चेन में शामिल करना है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन दोस्तों हमारा छह कार्बन का प्राप्त हुआ, और ये प्रिंसिपल चेन के बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच, ये भी प्रिंसिपल चेन के बाहर चला गया तो बन गया ब्रांच, तो बी आर जब ब्रांच ग्रुप में होता है तो उसका नाम हो जाता है ब्रोमो। एक कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया मीथ और ओ के लिए ऑक्सी लिख दिए, इसका नाम हो गया मिथॉक्सी, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं तो ब्रोमो का बी और मिथॉक्सी का एम, तो एबीसीडी में पहले बी आता है तो चार नंबर पर ब्रोमो है तो फोर ब्रोमो लिखे, और तीन नंबर पर मिथॉक्सी है तो थ्री थ्री मिथॉक्सी हो गया, और छह कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया हेक्स, और टू और फोर नंबर पर दो डबल बॉन्ड है तो टू फोर डाइन हो गया, और वन और सिक्स पर दो ठो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, जब प्रिंसिपल चेन में एल्डिहाइड फंक्शन को शामिल करते हैं तब सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखते हैं, तो वन पर भी अल है और सिक्स पर भी अल है, ये हो गया वन सिक्स डाई अल।
और जब जब डाइन आएगी ए लगा के जाएगी। देखिए दोस्त, ये वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो ई को लिखेंगे। नंबर अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दिए, अल्फाबेट नंबर है तो दूर हटो का साइन दिए, नंबर अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर अल्फाबेट नंबर है तो दूर हटो का साइन दिए, नंबर नंबर है तो आओ का साइन दिए, नंबर अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दिए, अल्फाबेट नंबर है तो दूर हटो का साइन दिए, नंबर नंबर है तो आओ का साइन दिए, नंबर अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दिए। इसका नाम हो गया दोस्त 4-bromo-3-methoxy-hexa-2-4-diene-1-6-diol। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहाँ पर भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। कार्बन का चार बॉन्ड होता है, दो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दो बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, या दो तो हाइड्रोजन भर दिए, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तो एक बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भर दिए, एक एक दो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दो बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर दो ठो हाइड्रोजन भर दिए। अब देखिए जो प्रिंसिपल चाहिए, ये भी सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप है, ये भी सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप है, ये भी सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप है, तो प्रिंसिपल चेन ले रहे हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, अरे ये छूट गया, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, अरे ये एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप छूट गया। तो ऐसे हाल में तीनों एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को हम लोग छोड़ देंगे। तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन, एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन, एल्डिहाइड जुड़ा हुआ कार्बन को छोटा छोटा नंबर मिल सके। तो इधर से नंबरिंग किए तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो 1-2-3 मिला। इधर से किए तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो 1-2-3, तो एक एक नंबर सेम हो गया, दो दो नंबर सेम हो गया, तीन तीन नंबर सेम हो गया। तो इस हालात में आइदर ऑफ साइड नंबरिंग करेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन तीन कार्बन को हो गया दोस्त, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल चेन। तो तीन कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया प्रोप, कार्बन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है तब एन लिख दिए, वन पर भी एल्डिहाइड है, दो पर भी एल्डिहाइड है, तीन पर एल्डिहाइड है, तो 1-2-3 लिख दिए, और तीन ठो एल्डिहाइड तो ट्राई लिख दिए। जब तीन या तीन से ज्यादा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो दोस्त, तो सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग कार्बन डिहाइड लिखते हैं, तो 1-2-3 ट्राई कार में भर के लाओ एल्डिहाइड को, जिसको प्यार से कार्बन डिहाइड कहते हैं। अब ये कॉन्सोनेंट है, सॉरी ये भोवेल, ये कॉन्सोनेंट है तो ई को लिखेंगे, अल्फाबेट नंबर है तो दूर हटो का साइन दिए, नंबर नंबर है तो आओ का साइन दिए, नंबर नंबर है तो आओ का साइन दिए, नंबर अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दिए। नाम हो गया प्रोपेन 1-2-3 ट्राइकार्बन डिहाइड। ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। दो बॉन्ड है, दो कार्बन का दो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दो बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ दो ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का तीन बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का दो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दो बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, दो ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का दो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दो बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, दो ठो हाइड्रोजन भर दिए। अब एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन, एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन, एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन, प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्तों हमारा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन का। यहाँ देखिए दोस्तों, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, अरे ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप छूट गया, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, प्रिंसिपल चेन छह कार्बन के मिला, तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप छूट गया। तो इस हालातों में तीनों एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तीनों एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को हम लोग छोड़ देंगे। एल्डिहाइड जुड़ा हुआ कार्बन, एल्डिहाइड जुड़ा हुआ कार्बन, एल्डिहाइड जुड़ा हुआ कार्बन को प्रिंसिपल चेन में किसी भी हाल में शामिल करना है। इधर से नंबरिंग किया तो वन पर एल्डिहाइड है, एक दो, एक दो तीन चार,
तो 1 2 4 मिला। इधर से देखे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देख 4 नंबर, तो 1 नंबर 1 नंबर नंबर सेम हो गया। 2 नंबर 3 नंबर में छोटा नंबर 2 है, तो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। सबसे पहले रूटवर्ड का नाम लिखेंगे दोस्त। 4 कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दी। अब जब 3 या 3 से ज्यादा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो तो सेकेंडरी सफिक्स में कार्बन डिहाइड लिखते हैं। तो 1 पर भी एल्डिहाइड है, 2 पर भी एल्डिहाइड है, 4 नंबर पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो हो गया 1 2 4 ट्राई कार्बन डिहाइड। कार में भर के लाओ एल्डिहाइड मतलब कार्बन डिहाइड। तो ना देखिए दोस्त, ये भोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो उस समय ई को लिखेंगे। अल्फाबेट नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर नंबर है तो आओ का साइन दे दिए, नंबर नंबर है तो आओ का साइन दे दिए, नंबर अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दिए। नाम हो गया ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बन डिहाइड। इस तरह से इस तरीके से दोस्त हमारा एल्डिहाइड का यूपीएक ने पूरा तरीके से खत्म हो गया।